बाहर आके उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। तो जब इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया है, इनका बेल यहां से रिजेक्ट हो गया, हाईकोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है, आगे किसी भी दिन आ सकता है। तो आने की जब संभावना है और जिला मजिस्ट्रेट ये संतुष्ट हो जाए कि वापस आके पुनः पुनरावृत्ति करेंगे, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। क्या बाहर आके इस प्रकार की घटना ना घटित करें जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। तो जब हम कन्विंस हो गए एसएसपी साहब की रिपोर्ट देख के, जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि व्यक्ति जैसे ही बाहर आएगा पुनः उस प्रकार की घटना करने की संभावना है, तो उसका व्यापक इंपैक्ट इंडस्ट्रीज पे पड़ता। जब ये घटना घटित हुई तो बहुत से इंडस्ट्रीज के लोग हमारे पास भी आए और एसएसपी साहब पास आए, उस इंडस्ट्री के लोग आए, उन्होंने कहा कि अफरा तफरी मैच बच गई और हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इस पे पुनर्विचार कर सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में उसका व्यापक प्रभाव पड़ता, जितने लोग जॉब में है वो बाहर आते, जॉबलेस होते, व्यापकता बढ़ती उसकी, तो पब्लिक ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब होता। तो हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति को उसकी पुनरावृत्ति करने का जो है परमिशन नहीं देना चाहते, अलाउ नहीं करने देना चाहते, ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं। इसलिए दिस इज द टाइम। 5 में से 3 मौके पे गए थे और मौके पे जाके उन्होंने हिट किया था, गोलियां चलाई थी, उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए 3 पे एनएसए फिलहाल लगा है और उस पर विचार किया जाएगा।